चैनल। आज है 1 जनवरी, तो हमारी पूरे फैमिली की तरफ से आप लोगों को नया साल की बहुत बहुत शुभकामना एंड हैप्पी न्यू ईयर। रात में हम लोग 12 o'clock के बाद सोए थे जब न्यू ईयर स्टार्ट हो गया था, और सुबह आज लेट से उठी हूँ, काम सब हो गया है, सब कुछ हो गया है, नहा धो लिए हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर। तो सोचे पहले मंदिर जाते हैं, मंदिर से आते हैं, उसके बाद खाना पीना बनेगा जो भी होगा, तो इसीलिए सोचे ब्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं। तो और ये दीदी मरीसी कभी रेडी हो गई है, और मैं आज आप लोगों को मैं अपना एक न्यू ड्रेस दिखा रही हूँ जो मैं पहनी हूँ आज, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और रिधिमा ये पहनी है, ऋषि का भी कपड़े पहनी है, और ये भी न्यू कपड़े पहने हैं, ठीक है। तो चलिए, बहुत लेट हो गया है, 11:15 हो गया है, टाइम बहुत हो गया है, तो हम लोग मंदिर जा रहे हैं, मंदिर से आने में भी टाइम लगेगा, वहां पे टाइम लगेगा। तो ये है मेरा कपड़ा, आज मैं ये पहनी हूँ, तो ये मैं फर्स्ट टाइम ये प्लाजो ली हूँ, तो ये है मेरा प्लाजो, मैं करीब 10-15 days हो गया इसको लेके आए हुए। और ये टॉप, और एक टॉप लाई हूँ लेकिन वो थोड़ा बड़ा हो गया है, पता नहीं कैसे, तो ये टॉप मैं डाली हूँ, दो टॉप लेके आई थी, तो ये एक टॉप है और एक और टॉप है, वो रेड कलर में है। तो ये मैं फर्स्ट टाइम पहनी हूँ, आप लोग बताना कैसा लग रहा है मेरे पे। मुझे भी लगा मैं पहनूँ, ये पहनने में कुछ भी नहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि मतलब हम लोग ऐसे सोचते थे ये नहीं पहनना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं पहनते थे पहले, लेकिन मैं सोची मैं पहनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और उसके बाद क्या होता है ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पहनने में ये कपड़े, क्योंकि ये पूरा आप देख सकते हो ऊपर से नीचे तक पूरा बॉडी ढका हुआ है, तो इसीलिए मैं सोची मैं पहन सकती हूँ ये, और इसको पहनने में कोई बुरी बात नहीं है, बहुत सारे लोग पहनते हैं, तो आप लोग जरूर बताना, है ना रिधिमा? अरे रिधिमा क्यों कूद रही हो तू, ऋषु तू क्यों कूद रही है, तू भी कुछ बोल ना। चलिए, तो चलिए हम लोग जा रहे हैं मंदिर, फिर मैं मंदिर में मिलती हूँ आप लोगों से। Thank you.
तो ऋषि का कहीं जाती है तो ऋषि का कुछ चाहिए, तो ऋषि का ली है ये रिधिमा ने ली है, दिखा देना ना। तो हम लोग आ गए हैं मंदिर से, हाफ एन आवर हो गया है और मैं खाना भी चढ़ा दी हूँ क्योंकि लेट हो रहा था, तो इसीलिए मैं वीडियो स्टार्ट नहीं की। मैं सोची थोड़ा ये काम निपटा लेती हूँ उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी। वेट। तो बहुत ही अच्छा मंदिर है वो, और हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे। बहुत ऐसा मंदिर है जो हम लोग अभी तक नहीं गए हैं, उसी एरिया में हजार मंदिर। हाँ, तो हम मतलब फर्स्ट टाइम गए थे, बहुत ही अच्छा मंदिर है, आप लोग देखना वीडियो में। और बहुत ही अच्छे यहाँ के जो ये होता है ना क्लीनिंग, ये सब बहुत ही अच्छा रहता है मंदिर में और बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये इधर मैं बना रही हूँ, ये फ्राई हो रहा है मसाला मटर पनीर। तो अभी मैं दिन में वेज ही बना रही हूँ, मैं रात में नॉन वेज बनाऊंगी। तो अभी मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्जी, पूरी और गोभी के पकौड़े। तो मैं ये दिखा देती हूँ, तो इधर बन रहा है मटर पनीर, उसको मैं आई वहां से तो फटाफट प्याज काट के सीटी लगा ली। सीटी लगाने के बाद उसमें मसाला डाल के मैं उसको भून रही हूँ। इधर मैं तब तक आटा भी लगा के रख ली हूँ, एक मिनट मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पूरी का आटा है, इससे मैं पूरियां बनाऊंगी। हाँ, और ना इधर मैं कट करके रखी हूँ गोभी। मैं आई हूँ वहां से, उसके बाद मैं ये सब काम की हूँ। तो ये पानी भी गिर गया। तो इधर मैं रखी हूँ गोभी काट के, मैं इसको पानी में छोड़ के रखी हूँ। जब मैं पकौड़ा बनाऊंगी तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो ऑयली चीज के चलते खाना तो पड़ेगा ऑयली, लेकिन सोचे आज बना लेते हैं, लेकिन अच्छा तो नहीं लगता है हम लोगों को उतना ज्यादा, तो इसीलिए मतलब पूरी बना ही रहे तो एक ही पकौड़े बना रहे हैं, नहीं तो भजिया भी बना लेती हूँ उसका, क्या बोलते हैं प्याज का, जैसे कचौड़ी भी बोलते हैं, तो वो भी बना सकती थी लेकिन नहीं बनाई मैं। और रात में मैं बनाऊंगी, रात में मैं नॉन वेज बनाऊंगी, बिरयानी। हाँ, चाहे बिरयानी कबाब कुछ भी हो, ये सब मैं बनाऊंगी रात में, दो तीन आइटम बनाऊंगी। तो चलिए मैं पकौड़ा के लिए सभी बेसन फेंट कर रखती हूँ। मेरी बेटी काम करती है, कभी कभी कुछ कुछ काम कर देती है ना रिधिमा, क्या सब कर देती हो आप मुझे? पानी लाती हूँ, पानी पिलाती हूँ, मतलब पिलाती हूँ, पीने के लिए देती है, खाना लगाती हूँ तो प्लेट ले जाती है कभी कभी उठाकर, कुछ कुछ बोलती हूँ मैं, ये ला दे वो ला दे, तो वो सब करती है कुछ कुछ। हाँ, ये भी करती है, नोटी बदमाश बच्ची। तो अभी मैं डाल रही हूँ इसमें सब कुछ और मैं इसको मिक्स कर दे रही हूँ अच्छे से। मैं इसको हाथ से ही मिक्स कर रही हूँ ताकि जल्दी से और अच्छे से हो जाए, और स्पून से बहुत टाइम लगता है, ऐसे 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 करना है। तो ये हो गया है मिक्स, तो मैं डालती हूँ अभी पानी, और ये इस तरफ मतलब ये पनीर अगर हो जाए तो मैं क्या करूंगी, एक तरफ मैं डाल दूंगी पकौड़े, एक तरफ एक और एक तरफ पूरी, ताकि क्या होगा तो गर्म गर्म खा लेंगे और जल्दी खा लेंगे क्योंकि आज में भी खाना खाना है, नॉन वेज #। नॉन वेज मंदिर बहुत ही अच्छा है, और वो एक बहुत बड़े जो लेडीज वाली भगवान है उनको लक्ष्मी कुछ प्रसन्ना लक्ष्मी कुछ डिफरेंट टाइप का नाम रहता है यहाँ पे, तो उसको उनको बोलते हैं प्रसन्ना लक्ष्मी नाम है उनका। और एक जो थे तो वो टेढ़े वाले हनुमान जी थे, ऐसे करके मुड़े हुए थे, और बहुत सारे भगवान थे जैसे कि राम जानकी सीता जी और गणपति जी, और एक माता थी पता नहीं कौन सी थी मुझे नहीं पता, गणपति की मम्मी काली माता। तो बहुत सारे भगवान थे, बहुत ही अच्छा लगा। कोई भी न्यू ईयर था तो सोचे जो जाना चाहिए मंदिर, तो इसीलिए हम लोग गए थे मंदिर। अभी पकौड़ा बनेगा, तेल उतरेगा, मेरा इसको डाल दूँ इस पे, और इसमें इसमें कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, इसमें बना लूंगी पकौड़े, जल्दी हो जाएगा। और इसमें मैं डाल देती हूँ, उसके बाद मैं इसमें डाल दूँ इस तरफ की कढ़ाई डाल के मैं पूड़ियाँ बना लूंगी इस तरफ।
पूरी 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 मुझे पूरी 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 गौर से देखो इस पेटू को डाल दियो मैं क्या करूंगा मैं छोड़ दूंगा गौर से देखो इस पेटू को पेटू इधर देखो कैसा है रिधिमा है सुपर डुपर हिट हिट नहीं है कैसा है वो पनीर वाला पनीर बहुत अच्छा है वो तो अच्छा ही होता है पूरी तो पूरी ही है पनीर अच्छा बना है मटर पनीर है ना बहुत ही टेस्टी है बहुत तो बन गया है हमारा लंच और ये लोग खा रहे हैं अभी और मैं अभी खाऊंगी इस वीडियो को एंड करने के बाद और मुझे बहुत गर्मी लग रही है क्योंकि मैं दो दो कढ़ाई चढ़ाई थी एक तरफ कुकर चढ़ा हुआ था तो तीनों चूल्हा जल रहा था बहुत ही गर्मी लग रही है मुझे तो यही है हम लोगों का नॉर्मल सा लंच और रात में हम लोग नॉनवेज खाएंगे है ना नॉनवेज में दो तीन वैरायटी हम सोच रहे हैं बनाने का देखते हैं क्या सब बनता है तीन भी हाँ हाँ तीन वैरायटी कुछ भी बना लेंगे ना कितने वैरायटीज तो है नॉनवेज का चिकन का सारा बनाना जरूरी है सारा नहीं बनाएंगे दो तो बनाएंगे हाँ और यहाँ पे छुट्टी नहीं होती है न्यू ईयर में क्योंकि यहाँ पे जो फेस्टिवल मेन है उनका छुट्टी होता है तो इनका ऑफिस है ये वर्क फ्रॉम होम लिए हैं तो ये अभी काम करते हैं घर से अभी कर रहे हैं काम तो अभी लंच का टाइम भी हो गया है और अभी 1 o'clock हो गया है तो 1 o'clock इनका लंच होता है तो इसी उस टाइम पे बन भी गया तो ये लंच कर रहे हैं और मैं इतने देर से बनाई हूँ इतने मेहनत करके तो मैं टेस्ट भी नहीं की हूँ तो मैं भी जा रही हूँ टेस्ट करने मैं भी जा रही हूँ खाने अभी रिधिमा ऋषु आप लोगों को कुछ बोलना है बस हो गया तो ये था न्यू ईयर का छोटा सा ब्लॉग आई होप आप लोगों को पसंद आए अगर पसंद आए तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए और अच्छा लगे और भी अच्छा लगे तो एक लाइक तो जरूर दीजिए और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए और आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है तो क्या होता है ना जो ब्लॉग बनाने में भी अच्छा लगता है वीडियो डालने में भी अच्छा लगता है तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ तब तक के लिए बाय 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 बाय